आजादी का ये अमृतकाल भी भारत के इतिहास का ऐसा ही पड़ाव है। आज से 25 साल बाद भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा। हमारे पास भी 25 वर्ष का अमृत कालखंड है। इन 25 वर्षों में हमें मिलकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। लक्ष्य बड़ा है, लक्ष्य कठिन भी है, लेकिन हर देशवासी को आज इसके लिए जी जान से जुटना ही है। नए प्रण लेने हैं, नए संकल्प लेने हैं, नई गति पकड़नी है। और इतिहास गवाह है कि हम भारतीयों का विश्वास सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहता। हमारी आजादी की लड़ाई ने दुनिया के बहुत सारे देशों में उस समय एक नई चेतना जागृत कर दी थी। हमारी आजादी की लड़ाई से भारत तो आजाद हुआ ही, साथ ही कई देश आजादी की राह पर चल पड़े। भारत के विश्वास ने दूसरे देशों के विश्वास को सहारा दिया था। और इसलिए भारत जैसा विविधता से भरा देश, इतनी बड़ी आबादी वाला देश, इतनी सारी चुनौतियों से लड़ने वाला देश, जब एक विश्वास के साथ आगे बढ़ता है तो इससे दुनिया के अनेक देशों को प्रेरणा भी मिलती है। भारत की हर सफलता आने वाले दिनों में दुनिया के अलग अलग भूभाग में अलग अलग देशों की सफलता के रूप में प्रेरणा का कारण बनने वाली है। आज यदि भारत तेजी से गरीबी दूर करता है तो ये कई देशों को गरीबी से बाहर आने की प्रेरणा भी देता है। भारत का विकसित होने का संकल्प कई और देशों का संबल बनेगा। इसलिए भारत की जिम्मेदारी और बड़ी हो जाती है। और साथियों, सफलता की पहली शर्त सफल होने का विश्वास ही होती है।